नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ नेशन। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आप सभी को पता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुआ है, आज लोकसभा की जो मतगणना हुई है, उसमें दोनों सीटों पर आजमगढ़ और रामपुर दोनों पर ही देखिए भाजपा बहुत भारी मतों से विजय हुई है। तो देखिए कि इस विजय को आप, भाजपा की जो जीत हुई है वो किस तरह से देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं देखिए उस उपचुनाव पर, जो उपचुनाव हुए हैं तो भाजपा ने जो, आप देखिए एक तरह से जो सपा का गढ़ है, जो सपा का स्ट्रांग होल्ड है, आजमगढ़ और रामपुर। रामपुर अगर हम कहेंगे तो आजम खान का स्ट्रांग होल्ड है, और आजमगढ़ अगर हम कहेंगे तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव दोनों का ही बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है। इन दोनों ही इलाकों में आप देखिए कि भाजपा ने सेंध मारकर सपा का जो किला है वो एकदम उखाड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए कि आप निरहुआ जो हैं, निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को देखिए 11,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो मत है उनके पूरे का फासला रहा है उनको हराने का। उसी हिसाब से आप देखिए कि जो असीम रजा है रामपुर से, जो सपा के कैंडिडेट है, तो उनको देखिए पछाड़ दी है घनश्याम लोधी ने। देखिए तो भाजपा देखिए एक तरह से विजय बनी है यहाँ पे दोनों लोकसभा सीटों पर। और लोकसभा सीटें पर देखिए जो विजय बनी है वो किसकी वजह से बनी है, आखिर वजह क्या है, तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे आज हम आपके साथ। तो देखिए, अगर शुरुआत मैं करना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहले अगर बीएसपी का नाम लूँ, मायावती का नाम लूँ, तो मायावती ने देखिए कि इनको भाजपा को जीत दिलाने में इन दोनों सीटों पर काफी बड़ी, देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी भरा इनका एक्शन था। बीएसपी को अपना देखिए मतदान दे रहा है यहाँ पे, जो उनके खिलाफ, जो सपा के खिलाफ जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा था वो काफी सोच ही भरा, एक साजिश के तहत उतारा गया था। क्योंकि आप देखिए आजमगढ़ में जो बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने देखिए सपा के जो वोट है उनको काटा। सबसे बड़ी बात तो यही होगी भाजपा की जीत में कि बीएसपी ने, मायावती ने जो उम्मीदवार अपने उतारा था वो सपा के वोट को काटने के लिए ही उतारा था। और इसमें लगातार देखिए कि राजनीतिक बयान भी आ रहे थे, और साफ साफ देखिए कि अब रामपुर का चुनाव जो हार गए तो देखिए असीम रजा, आजम खान देखिए और सपा के जितने भी नेता है वो अब ईवीएम को दोष देने लग गए हैं, और साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वहां पे उनके ऊपर भी देखिए दोष दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर मैं आपको बताना चाहूं कि वहां पे आजम खान ने देखिए कि चुनाव जब मतगणना शुरू हुई थी आज सुबह ही, तो आज सुबह ही आप देखिए आजम खान ने जो अखिलेश यादव पर देखिए तंज जरूर कसा है। क्योंकि और इस तंज कसने से देखिए साफ पता चलता है कि जो आजम खान और अखिलेश यादव की जो दोस्ती है, जो उनके नाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं देखिए उसमें तकरार जरूर है। और ये तकरार हमें देखिए कि जब वो इलेक्शन की रैली कर रहे थे आजम खान, उसमें भी देखने को मिली थी। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि उन्होंने क्या बोला है, तो देखिए उन्होंने साफ साफ ये बोला है, एक मीडिया से इंटरव्यू देते हुए, एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ साफ बोला था कि अखिलेश यादव, मतलब उनका नाम तो नहीं बोला था लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि देखिए वो तो बड़े नेता हैं, हम उनसे कहाँ मिल पाएंगे, हम उनको कहाँ टक्कर दे सकते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल उन्होंने बोली थी। अब इस लाइन के क्या मायने हो सकते थे, तो साफ पता आपको पता चल सकता है इसमें, क्योंकि जब 27 महीने जब आजम खान जेल में रहे थे तो उनके पुत्र ने साफ साफ उन पे आरोप लगाया था अखिलेश यादव पे, देखिए कि ना मिलने आते हैं, ना कोई उनको छुड़ाने के लिए कोई कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो देखिए इन सब की वजह से, इन तकरारों की वजह से आप देख रहे हैं कि जो हार हाज हुई है देखिए सपा के गढ़ में, सपा की देखिए जो समाजवादी पार्टी की जो हार हुई है, तो ये सब भी देखिए थोड़ी बहुत वजह हो सकती है। अब साथ ही अगर हम बात करें कि आजम खान की जो रामपुर है, देखिए आजम खान की जो सीट है रामपुर की, तो देखिए बहुत स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है। जी हाँ, देखिए जब भी अगर भाजपा वहां पे जीत गई है, जो कि लोधी वहां पे जीते हैं भाजपा के, तो बहुत ही आश्चर्यजनक जीत एक वहां कह सकते हैं इसे, क्योंकि आप देखिए कि मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदुत्व की पार्टी जीत जाना बहुत ही अचंभे वाली बात हो सकती है। और हाँ, खासकर आप ये जब वो पार्टी जीती है, जब देखिए कि वहां पे आजम खान जब वोटिंग केंद्र से आए थे वोट करके, उन्होंने साफ साफ ये भी बोल दिया था कि पुलिस जो है, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, उन्होंने हमें, जो हमारे जो मुस्लिम वोटर्स है, खासकर मुस्लिम वोटर्स है, उनके घरों के बाहर ऐसी पुलिस की पहरेदारी लगाती थी ताकि वो वोट केंद्र तक जा ही ना पाए। तो देखिए इसके बीच में भी देखिए काफी बयानबाजी की गई है, लेकिन अब देखिए चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। आजमगढ़ देखिए हार चुकी है सपा, रामपुर भी हार चुकी है सपा, लेकिन अब देखिए कि अब जो जिम्मेदारी का जो ठीक रहा है वो किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, ये भी बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो इसको देखते ही देखते आप ये समझ सकते हैं कि जो अखिलेश का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, इसमें ये भी साफ दिखा था हमें। क्योंकि आप देखिए कि जब आजम खान रैली कर रहे थे,
उनके साथ में सपा के नेता तो थे, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी रैली करने नहीं आए थे इन दोनों सीटों पर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कि आजम खान उनके साथ सपा के नेता थे, लेकिन अखिलेश यादव भी एक भी रैली में नहीं आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे जाने के बिना ही, यानी कि अगर मैं रैली करने नहीं जाऊंगा तो भी वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, देखिए वो रैली नहीं करने आए और आप देखिए हार गए वहां पे। तो इसलिए देखिए इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी देखिए काफी हद तक हमें ये दिखा रहा है कि इसमें ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसमें अखिलेश की गलती हो सकती हो। और यहाँ पे अगर आजम खान का देखें वहाँ पे उनका तंज, तो ये साफ साफ हमें जता रहा है कि देखिए अखिलेश यादव की और आजम खान की जो तकरार है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। और साथ ही साथ जो आजम खान उन पर तंज कर रहे हैं कि वो बड़े नेता है, तो देखिए बिल्कुल ऐसी कोई बीच में उनकी अनबन हुई थी बीच में, लेकिन वो सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब दोबारा अगर उसमें कोई तकरार है तो बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि जो इनकी तकरार से और इस हार का कोई लेना देना जरूर हो सकता है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पे भाजपा ने भी देखिए काफी अच्छी राजनीति जरूर यहाँ पे खेली है। आप देखिए निरहुआ जो कि अखिलेश यादव से ही देखिए 2019 में 2.5 लाख वोटर से हारे थे, वो आज देखिए कि 12-12 हजार वोटों से जीत गए। और वहीं अगर देखिए रामपुर का जो चुनाव हुआ है, रामपुर में भी देखिए कई हजार वोटों से 42 हजार वोटों से जीता है, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन इस बारे में देखिए और भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या और कुछ हो सकता है, और बाकी हम इसमें आपको और भी चुनावी मुद्दे जरूर लाते रहेंगे, ताकि हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।